हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन केनेस एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग पार्ट्स एंड होल्स दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम योर फिफ्थ मैथमेटिक्स एन सी आर टी एंड टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू लेक्चर को तो स्टूडेंट देखिए पार्ट्स एंड होल्स ओके तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम आवर फ्लैग से जो हमारा इंडिया का फ्लैग है जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं तो उसी से ही हम यहाँ पर आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं ओके सो यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री आपने ऑलरेडी देखा है सो डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग क्या आपको पता ही ये ड्रॉ कैसे किया जाता है ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ लेट सेंटीमीटर एंड विथ सिक्स सेंटीमीटर आपको क्या करना है एट सेंटीमीटर बाई सिक्स सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल इन डायमेंशन होती है मतलब ये एट सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये भी एट सेंटीमीटर आ जाएगा और ये सिक्स है तो यहाँ पर भी ये एक सिक्स सेंटीमीटर का यहां पर बन जाएगा ओके okay? तो यहां पर हमने ड्रॉ किया देन उसके बाद डिवाइड इट इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग ओके आपको क्या करना है पर देखिए सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे टू टू सेंटीमीटर पर मार्किंग करेंगे एंड यहां पर इसे डिवाइड किया तो देखिए देखिये पर हमारा बनता है फ्लैग एंड आपको यहाँ पर क्या करना है कलर करना है देखिए द टॉप ऑफ वन थर्ड ऑफ अवर फ्लैग इज सैफ्रॉन और उसे हम ऑरेंज भी कहते हैं तो यहां पर ऑरेंज कलर है देखिए यहां पर वॉट इज द कलर ऑफ द मिडल वन थर्ड ऑफ द फ्लैग ओके क्या कहा है वॉट इज द कलर ऑफ द मिडल वन थर्ड ऑफ द फ्लैग जो मिडल वाला है वो कौन सा कलर है यहाँ पर व्हाइट कलर है एंड वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र आप यहाँ पर जो अशोका चक्र हाँ पर ड्रॉ करेंगे ये वी ड्रॉ इन द मिडल वन पार्ट में ठीक है सो हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन ओके तो इनमें से कि, कितना पार्ट यहाँ पर ग्रीन कलर से आप यहाँ पर कलर करोगे ओके सो इज द वाइट कलर नाउ लेस देन वन थर्ड ऑफ द फ्लैग

थ्री पार्ट उसके बनाए हैं तो उनमें से वन पार्ट हम क्या करेंगे पर व्हाइट कलर नाउ लेस देन देन क्या है पर लेस देखिए वाइट कलर इज द लेस देन वन थर्ड ऑफ द फ्लैग बिकॉज अशोका चक्र इज प्रेजेंट इन द द्विट पोर्शन जो यहाँ पर व्हाइट पोर्शन है उसमें यहाँ पर अशोका चक्र आ रहा है वन थर्ड मतलब देखिए अगर ये पूरा व्हाइट कलर होता तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये वन थर्ड पोर्शन में है यहां पर जो आशुका चक्र आ रहा है वो भी यहां पर कुछ स्पेस ले रहा है सो दैट्स वाई जो व्हाइट कलर है यहां पर वन थर्ड से नॉर्मली uh, थोड़ा सा लेस देन यहां पर उसने पोर्शन लिया है ओके okay? आई बस समझ में Yes. तो स्टूडेंट देखिए नाउ लुक एट दिस फ्लैग हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक ओके इनमें से यहाँ पर कितना ब्लैक है हमें यहाँ पर बताना है ओके okay? अगर आप यहाँ पर इसे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो फ्लैग द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान है यहाँ पर ब्लैक कलर है ये यह वाला यहाँ पर रेड कलर है और यहाँ पर ग्रीन कलर है ओके okay? तो इनमें से उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है हमें तो इनमें से नाउ लुक एट दिस फ्लैग हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक इनमें से ये कितना ब्लैक है हमें यहां पर बताना है तो आप यहां पर जल्दी से बता सकते हैं क्या इनमें से कितना ये ब्लैक है करेक्ट इट इज अ वन थर्ड पोर्शन करेक्ट यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा वन थर्ड वाई वन थर्ड यहां पर आ जाएगा आंसर बिकॉज ये जो फ्लैग है इसके यहां पर टोटल कितने पार्ट्स बनाए देखिए उन्होंने एंड थ्री पार्ट्स यहां पर बनाया है सो दैट्स वाई इन तीनों में से एक पोर्शन जो है यहां पर ब्लैक कलर में किया है सो दैट्स वाई वन थर्ड पोर्शन यहां पर आ जाएगा द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटर्न एज ये जो ग्रीन पार्ट है हम यहां पर इसे कैसे लिख सकते हैं यस वी कैन राइट एज ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटर्न एज वन थर्ड वन थर्ड भी हम यहां पर लिख सकते हैं ओके सो इज रेड लेस देन वन थर्ड ऑफ द फ्लैग एंड वाई यहां पर जो रेड कलर है यहां पर लेस रेड कलर इज लेस दैन वन थर्ड ऑफ द फ्लैग बिकॉज व्हाइट जो कलर देखिये यहाँ पर जो सिंबॉल है यहां पर व्हाइट सिंबॉल इज प्रेजेंट इन द रेड कलर पोर्शन जो व्हाइट सिंबॉल यहाँ पर प्रेजेंट है अफगानिस्तान का जो फ्लैग है उसके ऊपर सो दिडल वाला है यहाँ पर वन थर्ड हम यहाँ पर नहीं कह सकते अगर ये टोटल यहां पर रेड होता तब हम यहाँ पर वन थर्ड कह सकते थे ओके okay? अभी यहाँ पर देखिये दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार अवर नेबर्स फ्लैग और इज लेस क्या कहना है उन्होंने क्या पूछा है इज ब्लू मोर दे फ्लैग और लेस तो स्टूडेंट देखिए ये जो वन फोर्थ क्या हो जाएगा तो ये जो फ्लैग है अगर हम इसे देखिए यहां पर इसे इक्वली फोर पार्ट में गर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं देखिए यहां पर फोर पार्ट में मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ये फर्स्ट पोर्शन सेकंड एंड थर्ड एंड यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा तो इनमें से देखिए ये जो पोर्शन है हमें से वन फोर्थ हो जाएगा ये वन फोर्थ हो जाएगा ये वन फोर्थ हो जाएगा ये वन फोर्थ हो जाएगा ठीक है सो ये जो ब्लू कलर ये क्या है देखिए यहाँ पर तो ये यहां पर वन फोर्थ से लेस देन है यहाँ पर देखिए व्हाइट यहाँ पर सिंबल भी आ रहा है ओके सो दैट्स वाई ब्लू कलर इज लेस देन वन फोर्थ ऑफ द फ्लैग ओके सो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसका आंसर तो दे दिया अभी गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड यहाँ पर जो रेड कितना है आपको बताना है इज इट मोर देन देन हाफ हाफ क्या ये हाँ से ज्यादा है और इज इट मोर ओके अभी देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर देखिए यह हाफ अगर हम इसे कंसिडर करते देखिए यहाँ पर ये यह हाफ हो जाएगा तो हाफ से भी यहाँ पर ज्यादा है रेड कलर मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा येस इट इज अ रेड कलर इज मोर देन हाफ एंड इज मोर इज मोर देन थ्री फोर्थ क्या यहाँ पर मोर देन थ्री फोर्थ है क्या तो यहां पर देखिए यस इट इज मोर देन थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ का मतलब क्या होता है देखिए यहां पर अगर हम यहां पर थ्री यहां पर इसके फोर इक्वल बने देखिए वन टू एंड थ्री तो यहां पर स्मॉल पोर्शन यहां पर रेड का आ रहा है सो दैट्स वाई इट इज मोर देन थ्री पार्ट ओके सो दैट्स वाई यहां पर आंसर भी आ जाएगा यस इट इज मोर देन थ्री फोर्थ आई बात समझ में येस yes. अभी देखिए फाइंड आउट कलेक्ट एज मेनी फ्लैग्स एज यू कैन आपको क्या करना है फ्लैग्स यहाँ पर कलेक्ट करने हैं हाउ मेनी फ्लैग्स हैव थ्री कलर्स ओके इनमें से कितने फ्लैग्स को थ्री कलर होते हैं आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आर ऑल द कलर पार्ट इक्वल इन दिस फ्लैग ओके ये सभी यहाँ पर इक्वल इन फ्लैग्स है आपको जैसे हमने अभी जो प्रीवियसली क्वेश्चन के आंसर दिए थे वैसे आपको यहाँ पर सिमिलरली आंसर देने हैं दिस इज द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन स्कूल इन केरला वॉट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर रेड वॉट पार्ट इज ग्रीन ओके घर पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे देखिए यहां पर टोटल कितने पार्ट्स बना है वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ पर टोटल फाइव पार्ट्स उन्होंने बनाए हैं इनमें से टू जो पार्ट्स पर देखिए रेड कलर में है एंड यहाँ पर ग्रीन कलर में ओनली वन है ओके okay? सो so यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में वन है बट ये जो मैथ क्लब जो लिखा है ये नेम भी यहाँ पर ग्रीन कलर में है ओके okay? तो so इसका आंसर क्या हो जाएगा वॉट पार्ट पार्ट इज ग्रीन सो हम यहाँ पर कह सकते यहाँ पर वन फिफ्थ से

आपको क्या करना है यहाँ पर जो ब्लैक लोगो दिख रहा है उसे आपको ड्रॉ करना है इज देर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल क्या आपके स्कूल में भी मैथ क्लब है इफ नॉट आस्क यूअर टीचर हाउ टू सेटअप इट ओके आपको क्या करना है उसका सेटअप कैसे किया जाता है सेट इट कैसे करना है आपको देखना है आपके टीचर से बातें करनी है डिजाइन ऑफ फ्लैग फॉर यूर मैथ क्लब आपके मैथ क्लब के लिए आपको क्या करना है एक फ्लैग डिजाइन करना है एंड यहाँ पर उसे ड्रॉ करना है ओके okay? आपके नोटबुक में आप उसे ड्रॉ करेंगे ओके okay? अब जस्ट इमेजिन करिए आपका एक मैथ का क्लब है एंड आपको उसका फ्लैग डिजाइन करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू जस्ट ड्रॉ एंड ट्राई वन फ्लैग ओवर ओके आप यहां पर इसे फ्लैग बनाए ओके okay? आई बात समझ में यस yes. अभी देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो एम टी स्पेस है यहां पर आपको क्या करना है फ्लैग बनाना है सो हैव यू यूज द रेड कलर क्या आपने यहां पर रेड कलर यूज किया व्हाट पार्ट ऑफ फ्लैग डिड यू कलर रेड इनमें से आपने कितना पोर्शन यहां पर रेड कलर से यूज किया है व्हाट वेयर द अदर कलर्स यू चूज आपने कौन कौन से कलर यहां पर चूज किए हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं करेक्ट तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहां पर ही एंड करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू